बड़ी ही नुकसान की बात है कि जो शख्स यहां पर भी परेशानी वाली जिंदगी गुजारे, यहां पर भी मुश्किलात वाली जिंदगी गुजारे और अपने रब को भूल कर, अल्लाह की अतात को छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजार के अपने आखिरत के घर को भी बर्बाद कर दे। दुनिया की जिंदगी में तो वैसे भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानियां, मुश्किलात रहनी ही हैं, कभी ज्यादा है कभी कम है। और ये देखिए कि वैसे भी इंसान को जब यकीन होता है ना कि एक आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतर होगा, वो ब्राइट होगा, वो आला होगा, तो इंसान के लिए फिर प्रेजेंट जो कि इंतहाई मुश्किल होता है उसको गुजारना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे गए, एक झोंपड़ी में आपको रख दिया गया, सख्त गर्मी का आलम है, वहाँ पे ना पंखा है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और रहने के असबाब बिल्कुल लिमिटेड है। गर्मी में पंखा कोई नहीं, अगर सर्दी है तो सर्दी में हीटर कोई नहीं, और आपको कहा जाए कि आपने वहाँ पे 3-4 दिन गुजारना है, और आपको ये पता है कि आप जिस घर में रहते हैं, आपका एक असल घर है जो बड़ा आलीशान घर है, जिसमें गर्मी जब होती है तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है, सर्दी जब होती है तो सेंट्रल हीटिंग होती है, खाना जब आप मांगते हैं तो आपको जो अपनी ज़ुबान से और जो अपने मुँह से आप निकालते हैं आपको वो खाना मिलता है, जब आपने सोना होता है तो एक आरामदेह नरम गद्दा आपके पास मौजूद है सोने के लिए, वो आपका एक असल घर है, और आपको 3-4 दिन यहाँ पे गुजारने, और आपको इसके बाद हम आपको आपके असल घर में शिफ्ट कर देंगे। तो वो 3-4 दिन जो आप गुजारेंगे उस जगह पे, आप किस तरह गुजारेंगे? क्या आपका दिल लगेगा वहाँ पे? दिल नहीं लगेगा, ना सिर्फ दिल नहीं लगेगा बल्कि आपको एक बेचैनी होगी कि कौन सा ऐसा वक्त है कि मैं इस घर से, इस झोंपड़ी वाले वक्त से मेरा वक्त ख़त्म हो ताकि मैं अपने असल घर में पहुंचूं जहां पर मुझे सब राहतें मौजूद हैं। तो इसी तरीके से दुनिया का मामला और आखिरत का मामला भी ऐसा ही है। दुनिया की ज़िंदगी जो है वो उन मुश्किलात से घेरी हुई है, यहाँ पर कभी भी आइडियल लाइफ नहीं मिलेगी, कहीं पे डिप्रेशन है, कहीं पे स्ट्रेस है, कहीं पे माल की कमी है, कहीं पे पानी का मसला है, कहीं पे बिजली का मसला है, कहीं पे गैस का मसला है, कहीं पे महंगाई का मसला है, कहीं पे लोगों की जान माल महफूज नहीं है, और कहीं पे लोग जो है वो दिलों के ऐसी बेसकूनी का आलम है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पे आपको मुश्किल तरह मुख्तलिफ तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं बनेगी। ये इसलिए जो परेशानी का हाल है, जो डिप्रेशन का हाल है, ये इस दुनिया का मामला है। अल्लाह ने आखिरत एक ऐसी जगह रखी है जो इन तमाम चीज़ों से पाक है। आखिरत का घर ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस, ना परेशानी, ना मसला, ना घर के मसाइल, ना जॉब के मसाइल, ना बिजनेस के मसाइल, ना फैमिली के मसाइल, ना पढ़ने के मसाइल, ये सब मसाइल जो हैं इस दुनिया में ही रह जाएंगे, आखिरत में ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करना है। अगर बड़ी ही नुकसान की बात है कि जो शख्स यहाँ पर भी परेशानी वाली ज़िंदगी गुजारे, यहाँ पर भी मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजारे और अपने रब को भूल कर, अल्लाह की अतात को छोड़ कर, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के अपने आखिरत के घर को भी बर्बाद कर दे। दुनिया की ज़िंदगी में तो वैसे भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानियां, मुश्किलात रहनी ही हैं, कभी ज़्यादा हैं कभी कम हैं, कभी थोड़ी हैं कभी ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है कि ये रहनी है, और इसमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि हम अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर दें, तो इसको क्या कहते हैं? एक होती है विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या है ईमान वाले के लिए? कि वो दुनिया की ज़िंदगी में भी इस तरीके से गुजारा करें कि वह अतात वाली ज़िंदगी गुजारे, जो अल्लाह की अतात की ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी उसको बेहतर कर देगा और उसको आखिरत भी बेहतर मिलेगी। ये है विन विन सिचुएशन। और एक होती है लूज लूज सिचुएशन, कि जिसके पास दुनिया में भी कुछ नहीं है, माल भी नहीं है और उसके पास कोई स्टेटस भी नहीं है, घर भी नहीं है, परेशानियाँ भी, मुश्किलात भी हैं, उसके साथ साथ उसने अल्लाह की अतात भी छोड़ दी है, तो क्या दुनिया की ज़िंदगी तो मुश्किल थी, अपनी आखिरत की ज़िंदगी भी क्या किया? बर्बाद कर दी। तो ये इंसान तो डबल नुकसान में हो गया, डबल खसारे में हो गया। तो दुनिया की ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है, हमें अपना फोकस आखिरत पे रखना है। अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में भेजा है वो आखिरत के लिए भेजा है। अगर हम आखिरत के लिए तैयारी करते रहेंगे, अल्लाह की अतात करेंगे, तो इंशाल्लाह दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी और अल्लाह ताला हमें आखिरत में कामयाब लोगों में शामिल करेगा।